हम देखिए इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है भैया के हाथ से। अब आप लोग को अच्छे से शॉट देखिए, वो भी उस पर भी गाड़ी जा रही है, इस पर भी उस पर भी जा रही है, कोई अब नहीं चाहिए। हाँ बेहतरीन लग रहा है ये बना है तो। उधर पैदा चलने के लिए बनाया गया है। हाथ दो, हाथ दो। देखिए यही कोलिवर बीज है, कितना शानदार लग रहा है। ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। इधर अभी एक तरफ वाला चालू हो गया है, लेकिन अभी गाड़ी नहीं चली है, उसको भी काटा नहीं तो चालू हो जाएगा। दो तरफ वाला बेहतरीन रोड बना है एकदम, एक नंबर। सामने ट्रैक्टर जा रही है, देखिए अभी यहाँ तक काम चल रहा है पूरा, दिखा दूँ आपको। यहाँ तक ये काम चल रहा है, यहाँ पे तक समाप्त हो गया, यहीं तक काम हुआ है। पटना यहाँ से लेफ्ट लेना है हम लोग को, अंडर पास होते हुए चलना है। ये है पटना NIT। चलिए दिखाता हूँ आपको। काफी बड़े में है, लिखा है NIT पटना। वही और बन रहा लग रहा है कॉलेज NIT पटना। ओके BLT है ये, देखिए CNG बसें चल रही हैं यहाँ पे पटना गांधी मैदान से बेटा IIT। ये बस देख लीजिए, मुझे लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक बस है ऐसा लग रहा है, लेकिन CNG है, CNG बस ही है। इधर का मार्केट देखिए बेटा का, थोड़ा जाम लगा हुआ है यहाँ पे, रास्ते में पैसेंजर को भी बैठा ले रहे हैं ना, बात ये है। हथेली निकालता हूँ इधर से चाप के। ये है अपना जय लक्ष्मी किराना स्टोर। बीप 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 बीप।
ये देख रहे हैं स्टेशन जो है दानापुर स्टेशन है ये। यहाँ से हम लोग और ये दानापुर स्टेशन में देख रहे होंगे इधर। यहाँ से राइट लेना हम लोग को है। ये देखिए दानापुर स्टेशन देख रहे कितना अच्छा लग रहा है ये। ये देख लीजिए कितना मस्त लग रहा है ये। फुलवारी शरीफ सगुना दानापुर स्टेशन है ये। झंडा देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये यहाँ का। टिकट घर है ये, टिकट घर प्लेटफॉर्म है ये ऊपर इधर। मतलब बाड़े में भी है ना वो स्टेशन पूरा है। हाँ ये बाड़े में स्टेशन ये भी है दानापुर। जो लोग बिहार से लोग होंगे वो लोग उनको पता होगा। खंगोल नगर परिषद आपका स्वागत है। ये देखिए रोड यहाँ का देखिए मस्त एकदम एक नंबर रोड है। बस हम लोग पहुँचने वाले हैं पटना जल्दी। अभी हम लोग को 34 मिनट और चलना है और 14 किलोमीटर और चलना है। देख रहे यहाँ का रोड देख रहे कैसे घुमा ऐसे ऐसे मतलब। झंडा देखिए यहाँ कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का। क्रिकेट एकेडमी है ये पटना इधर। यहाँ से हमको लेना है लेफ्ट। महावीर कैंसर संस्थान सब देखिए अरवल औरंगाबाद। चलना भाई सीधे ना इधर चलना है हम लोग को इधर। भा
भारतीय कैंसर संस्थान, महावीर कैंसर हवाई अड्डा, विधानसभा, महात्मा गांधी सेतु सब लिखा हुआ है। एयरपोर्ट जाने के लिए सीधे 570 मीटर है यहाँ से एयरपोर्ट। बिहार ये सिटी रोड पूरा है, मतलब है मांग चलिए बिहार का। मीटर यहाँ से यहाँ से हम लोग घूमना है लेफ्ट, भागलपुर बेगूसराय 130 किलोमीटर यहाँ से। चलिए घूमता हूँ यहाँ से, तो बस नज़दीक ही पहुँचने वाला हूँ। हाजीपुर सीधे 26 किलोमीटर, फतुहा, राजगीर यहाँ से 108 किलोमीटर यहाँ से है। और देखिए पटना का रोड यही है, देख लीजिए आप लोग। और बचा हुआ है ये देख लीजिए, पटना रोड है पूरा। दस मिनट और लगेंगे यहाँ से। देख रहे थे इससे जाके रोड है यहाँ पूरा जाके। लेकिन यहाँ पे भी रेड लाइट है, हम लोग को लेफ्ट लेना है यहाँ से। फाइनली देखिए हम लोग आ गए हैं पटना भी, ये देख लीजिए ये है पटना, पूरा मार्केट है पूरा देख लीजिए पटना का पूरा। और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर बचा हुआ खाजी, जहाँ आप जाना हम लोग को है। चलिए आगे चलकर बता लग जाए क्या लेने जा रहा हूँ मैं। ये देखिए मेट्रो काम चल रहा है यहाँ पे, ये है जो काम चल रहा है मेट्रो का, पटना मेट्रो काम चल रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं ना ये पटना मेट्रो दिखा दिया आप लोगों को, पटना मेट्रो भी इसी बहाने। और ये पिलर अपने काम चल रहा है अभी, लंबे में काम हो रहा है पूरा एकदम। देख रहे कितने लंबे में काम हो रहा है पूरा ये, अरे पूरा बड़ा एकदम पिलर किया गया है ऊपर सामने मेट्रो के लिए ही।
डाइवर्जन भी किया गया जगह जगह। देख रहे कितनी मशीन लगाई गई बड़ी बड़ी काम के लिए यहाँ पे। कभी समय लगेगा, 1.5 साल लगेगा लग मरने में इसको। ये पंजाब काफी बढ़िया रहेगा ये। पूरा अंडरग्राउंड काम चल रहा है ये यहाँ पे। जगह जगह डाइवर्जन किया गया है पूरा। यहाँ से 150 मीटर से राइट लेना, लेफ्ट लेना है। यही तो नहीं है लग रहा है, यहीं से घूमना लग रहा है। अभी यही ठीक से घूमने के लिए बोल रहा था, घूमने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ उसे। तो आगे से बाबू, आगे से रास्ता है। आगे से है, चलो आ बैठो। अच्छा नहीं, मैं घूम रहा था, इन्होंने पूछे इधर ही थे का। हाँ अबे आ गए हम लोग पे, आ गए इधर ही है। ये क्या तुमने? मुझे तो टेबल चाहिए। अरे ब्लॉक दे रहा है क्या? पहले इतना दूर से मैं आया था वाराणसी से पटना, और आया हूँ देखिए सिर्फ ड्रोन नहीं लेके आया हूँ। देखिए भैया के लिए शॉप पे पटना ड्रोन शॉप के नाम की शॉप है इनकी। देखिए काफ़ी बेहतरीन देते हैं, डील देते हैं और काफ़ी अच्छा देते हैं ये। अब फाइनली देखिए अनबॉक्सिंग हो रही है भैया के हाथ से, लेकिन आप ही कर दीजिए भैया। अब देखिए इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है भैया के हाथ से। अब आप लोग को अच्छे अच्छे शॉट मिलेंगे इससे। देखिए इसके अंदर बैग है और इसके अंदर देखिए ये ड्रोन निकला। मैंने कम्बो पैक लिया है 3 बैटरी के साथ। ये रिमोट है इसका और इसमें बैटरी होंगी शायद। नहीं बैटरी तो इसमें नहीं, बैटरी इसमें है। एक बैटरी इसमें लगी है और दो बैटरी और होगी इसमें। दो बैटरी इसके अंदर है ना? हाँ दो बैटरी इसके अंदर है। ठीक है देख लीजिए कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ये बतना लोकेशन बता दीजिए भैया, कहाँ पड़ेगा? मतलब अगर लोग आना चाहेंगे तो कहाँ? पटना में आ सकते हैं, कंकड़बाग में आपको मलाही पगड़ी के पास, वहाँ आइए। और मेरा नंबर जो है वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जा करके खोल सकते हैं। ये हमें पड़ा है 64,500 में पड़ा है ये पूरा डील। और काफ़ी बढ़िया है ये, देख लीजिए।
तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।